नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो जी व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, तो दिन भर में जो भी होता रहेगा इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, बने रहे मेरे व्लॉग पर। व्लॉग स्टार्ट हो गया है गाइस। आज मुझे बहुत ज्यादा देर हो गया, कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग गए पूरी किचन की सफाई की। इतनी बुरी तरह से टाइल्स, मुझे ऐसे पता नहीं चलता है, बट क्या होता है जब लाइट नहीं आती ना तो चिमनी चलती नहीं है। तो चिमनी क्या करती है, फिर वो सारा जो चिकनाई होती है ना वो अंदर की साइड फेंकती है, तो उसकी वजह से हल्की हल्की सी यहाँ पर चिकनाई लग रही थी मेरे को। तो आज पूरा दिन हो दिन क्या 2 घंटे तो मुझे लग गए, मतलब तो काम से एक्स्ट्रा। तो सारी टाइल्स साफ की हैं, बर्तनों का टोकरा साफ किया है, और अपनी ये कबर्ड्स वगैरह सारी नीचे की साफ की हैं, और आज मशीन भी साफ की गई है। तो बहुत टाइम हो गया मुझे, और अंदर अंधेरा हो रहा है क्योंकि लाइट बंद की हुई है मैंने। तो देखिए, मशीन भी मैंने पूरी की पूरी साफ की है अच्छे से, क्योंकि जब हम कपड़े धोते हैं ना तो यहाँ पर पानी रुक जाता है, और पानी रुकने की वजह से स्पॉट आ जाते हैं। तो ये इसकी भी आज मैंने क्लीनिंग कर दी है, सूख रही है, थोड़े दिन में सूख जाएगी तब इसको मैं अच्छे से कवर कर दूंगी। तो देखिए जी, आज बनाई है घिया की सब्जी, और जो बना रही हूँ रोटियाँ। और चलिए जी, अब चलते हैं ऊपर कपड़े सुखाने के लिए। घर का लगभग सारा काम हो गया है, खाना पीना हो गया है, घिया की सब्जी बनाई थी तो वो खा लिया, मैंने भी खाना खा लिया है पहले क्योंकि मुझे लगी थी भूख, तो खाना खा लिया है। कपड़े सुखा के आती हूँ, कपड़े सूख चुके हैं सुबह के, कपड़े सारे सूख चुके हैं, बस थोड़े से रहे हैं वो मैंने नहीं दिखाए आपको, क्योंकि हर चीज़ आपको बोले कि हर चीज़ दिखा दो। तो देखिए, बस थोड़े से कपड़े हैं, ये सुखा के आने हैं, और जैसे ही थोड़े बहुत सूख जाएंगे उन्हें उतार के ले आऊँगी। तो चलिए जी, चलते हैं ऊपर। तो देखिए कितनी बुरी हालत हो जाती है सफाई करने के लिए। सचिन जी बाहर लगा रहे हैं झाड़ू, ये देखो सफाई की जा रही है, अभियान चल रहा है, बुरी हालत हो जाती है। तो देखिए जी, कान्हा जी पहन रहे हैं आज नाइट सूट, और सचिन जी पहना रहे हैं, सचिन जी भी सेवा कर रहे हैं आज। तो शिव पुराण कथा सुन रहे हैं आजकल हम, 7 दिन की कथा है ये, तो इसे सुनेंगे। तो देखिए, कान्हा जी के कपड़े मैं धो देती हूँ और यहाँ पर कथा सुन रही हूँ। और मैं बता दूँ आपको, शिव पुराण कथा का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारी लाइफ में। तो आप ही सुनिए, 7 दिन की कथा होती है, बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। मैं तो सुन रही हूँ, आप भी सुनिए अगर चाहते हैं तो। तो देखिए, अब मैं कर रही हूँ आज सफाई, सारी चीज़ें आज मैंने वॉश की हैं, अब इसे भी कर लेती। सो देखिए, मैं कपड़े सुखा कर आ गई हूँ, और अब क्या कर रही हूँ, अब वही प्रेस, कपड़े धोना, सुखाना, उतारना और प्रेस करना, यही काम है बस। तो देखिए, बैठ गई हूँ प्रेस करने के लिए, प्रेस मैंने लगा ली है, कपड़े इतने सारे हैं, सारे प्रेस करने हैं, कुछ हो भी चुके हैं दिखा देती हूँ। तो देखिए, स्टार्ट कर दी है प्रेस, तो सोचा बता दूँ आपको। तो सोचा कि प्रेस करते करते कर लूँ कुछ बातें, और पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। बस अब क्या करेंगे, प्रेस करूंगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम, और फिर वही व्लॉग एडिट, डेली एज यूजुअल ही वर्क होता है। कहीं बाहर जाना होता है तो कुछ अच्छा सा शूट हो जाता है, बट घर में कुछ ऐसा अच्छा शूट नहीं हो पाता है। तो वही कंफ्यूजन है मेरे को कि क्या दिखाऊं, किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि टॉपिक इतने ज़्यादा नहीं है मेरे पास, और चैलेंजिंग वीडियो तो हस्बैंड के सपोर्ट के बिना हो ही नहीं सकती है। वो घर पे कमी, मतलब सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, वो इतना बिजी रहते हैं, 4 बजे के करीब आते हैं ना, 3:30 या 4 बजे आ जाते हैं, उनका ऑफिस का वर्क कम्प्लीट हो जाता है, तो उसके बाद वो खुद इतने थके हुए रहते हैं, इतने पेंडिंग वर्क्स रहते हैं बच्चों के हमारे, तो टाइम ही नहीं मिल पाता, इसलिए नहीं बन पाती हैं चैलेंजिंग वीडियो। और मैं बनाऊंगी, गुंजन जी की बात मुझे याद है, वो खाने वाली, वो मुझे ज़रूर करना है चैलेंज, किसी दिन भी टाइम मिले करती हूँ उस वाले चैलेंज को, तो मैं कर ही लूँगी। पर वो ये ना, थोड़ा सा फ्रीली ऐसा हॉलीडे वगैरह के दिन हो सकता है, मोस्टली सैटरडे संडे मिलते हैं, उसमें सैटरडे संडे में कुछ ना कुछ काम आया ही रहता है। एकदम कैसे भाग गए तुम सारे, हैं? तो देखो, ये खेलने आए थे और ये भाग लिए सारे। किससे? आज सारे येल्लो हो रहे थे तुम, चारों के चारों येल्लो हैं? बेटे ट्यूशन चला जा। नहीं, मुझे खेलने आना है ना। किसके साथ जाना? उनका ट्यूशन वाले सर आ गए। अरे नहीं, अलग से तो केशव और हर्षित खेल रहे हैं और मैं आपसे ट्यूशन ले लूंगा। घर में पढ़ाई नहीं होती, ट्यूशन जाना पड़ेगा। बुरी हालत हो रही है मेरे फेस की, मैं सोकर उठ के आई हूँ, चाय पी है अभी,
सचिन जी आ गए थे और ये बच्चे आए थे, तो मैं जैसे ही उठकर आई मैंने कहा क्या हो गया, कैसे भाग रहे हो, कह रहे हो ट्यूशन वाले सर आ गए, बहुत देर से खेल रहे थे सारे बच्चे मिलके, और मैंने आज ये धोए थे तो फिर मैं सूख गए अंदर लेकर चलती। देख लो ये क्या कर रही है, पढ़ाई हो रही है, ट्यूशन नहीं जाना, गैस बन रही है, और खाया कर बाहर की चीजें, मानती तो तू है नहीं बिल्कुल भी, खा लिया था क्या, अभी चेक करूँ तेरा लंच बॉक्स, अच्छा गया से दर्द हुआ, तेरे पनीर से दर्द नहीं होने का, पनीर खिला दो तुझे अभी। सो गाइस देखिए मैं आ गई हूँ ऊपर एक्सरसाइज करने के लिए, और आज पता क्या हुआ था, मौसम थोड़ा ऐसी था तो कपड़े सूखे नहीं थे, मैं भूल गई फिर सो गई, और अब कपड़े बाल्टियों में रखे गए हैं, बाद में तह बनाई जाएगी, याद ही नहीं ना, दिमाग से स्लिप हो गया कि कपड़े उतारने, जब तक तो याद था फिर भूल गई, सोने के बाद पता ही नहीं चलता कहाँ गए। तो देखिए मैं खाना लेके आई हूँ चिड़ियों के लिए और डाल देती हूँ, सुबह तो डाल दिया था अब फिर डाल देती हूँ, उस टाइम ना गिलहरी वगैरह आती है तो वो खा लेती हैं, डाल दिया जाए खाना। कभी ठंड हो रही है कभी गर्मी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा इस मौसम का, हमेशा इस वाले सीज़न में ऐसा ही होता है। तो देखिए हमारा पेड़ जो है हरा भरा हो गया है, जो पत्ते सूख चुके थे वो आ चुके हैं ग्रीन ग्रीन, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में, और जो ग्रीनरी होती है ना बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखो लोकेशन भी काफ़ी बेस्ट हो गई है, बस थोड़ा दीवारें काली हो रही है, कोई बात नहीं, इग्नोर इट, जस्ट इग्नोर इट। तो देखिए जब बारिश पड़ी थी ना ये वाली घास हमने फोल्ड कर दी थी, क्योंकि पानी ना यहाँ तक आ जाता पूरे, इसको भी क्रॉस कर जाता, बहुत काम बढ़ता है हमारा, और एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। सच में घर में सामान भले ले आओ लेकिन वो वाला फ्लो नहीं बनता जो जिम वाला होता है, जिम में तो ये होता है हमें करना ही करना है कुछ ना कुछ, यहाँ पे नहीं बन पाता फ्लो, कितनी कोशिश कर लूँ मैं। और अब आ चुकी हूँ मैं अपनी साइकिल पर, थोड़ी देर चलाऊँगी साइकिल और फिर उसके बाद थोड़ा सा करती हूँ एक्सरसाइज, क्योंकि फ्लो ही नहीं बन पा रहा सच में, अब की बार तो ऐसा हो ही नहीं रहा है कि वेट लूज़ हो जाएगा, क्योंकि वेट लूज़ होता है अगर आप फर्स्ट डे से 30 डेज की एक्सरसाइज करते हैं तो 101% 2 kg तो हो ही जाता है कम, क्योंकि मेरा हो चुका है ऐसा। बट अब की बार ना वॉक हो रही है अच्छे से, ना साइकिलिंग हो रही है, ना कुछ हो रहा है, एक दिन करती हूँ 4 दिन की छुट्टी हो जाती है, कुछ ना कुछ काम लग जाता है, कभी कुछ गैस आ जाता है, कभी कभी हमें कहीं जाना पड़ जाता है। तो देखिए जी कोई बात नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करेंगे एक्सरसाइज, हो जाएगा कम तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर देखेंगे नेक्स्ट ईयर, ठीक है। थोड़ा सा स्टैमिना तो बढ़ ही जाता है एक्सरसाइज करने से, वही काफ़ी है। दर्श दर्श पहले ये बता स्कूल गया था, हाय तो बोल दे, हेलो गाइस बोल दे जल्दी, हेलो गाइस आप स्कूल गए थे, स्कूल में मैम ने डंडा मारा, पिटाई कली आपकी, नहीं। क्यों नहीं। आपकी पिटाई नहीं कली, रश्मिताई जी कहाँ हैं जल्दी बता दे, रश्मिताई जी कहाँ हैं, पूजा मम्मी कहाँ हैं, पूजा क्या कर रही है ये बता दे, पूजा क्या कर रही है, तेरी मम्मी क्या कर रही है जल्दी बता दे, फिर मैं चिज्जी दूंगी आइसक्रीम, जल्दी बता तेरी मम्मी क्या कर रही है, क्या कर रही है, मोंटी क्या कर रहा है, मम्मी हाथ जल दिया, हाथ जल गया, कैसे है, खाना बना रही थी, और पापा क्या कर लिए, शॉप पे गए, मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाए आप, ताई जी के लिए लाएगा ना, मेला प्याला बच्चा, ताई जी का सिर तो दबाया नहीं तूने, सिर दबाया, देखो मेला बाबू सिर दबाएगा, मेला बच्चा दबा दे जल्दी, ताई जी का सिर दबा दे, फिर वीडियो में देखे तेरा, तू जब वीडियो देखे चला के देखेगा, अरे मेरे बाबू, अरे मेरा बेटा, मेरा बच्चा तो सिर दबाता, मेरा बहुत क्यूट बेबी है, इसको चिज्जी दो, क्या चिज्जी खाएगा जल्दी बता, अबे बचा दे वो बचा दे शैतान, आज दर्शी का देखो दर्चू, मेरी गुड़िया कह रही है मैं तुम्हारे पैसे वेस्ट नहीं करानी, आज तो ताई जी और दर्शी का ब्लू ब्लू हो रही है, माई गॉड देखो आज ब्लू है, पानी 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 पानी, और दिन भी शानी 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 शानी, आ जाओ अंधा बीच मेरी फोटो कोई खींच, क्योंकि सूर थे अनजाने और तूने बात न मानी, ओहो ओहो क्या कर दिया, मैं तो करूंगी तेरे पैसे वेस्ट, खिला मुझे आइसक्रीम, मैं कल को आज 1000 की आइसक्रीम लाऊंगी, मेरे को आइसक्रीम खिलाएगी दर्जी का, पार्टी तो बनती है, तूने मुझे पार्टी दी, नहीं पार्टी देगी तू देगी
तूने पंखा क्यों चलाया? देखो दर्श के साथ एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, बड़ी मुश्किल से मनवाता है। वीडियो बनाना पसंद है? हाँ जी। मजा आता है? हाँ जी। बोलो सब्सक्राइब माय चैनल। लाइट बंद कर दे इस शैतान ने। ये देखो इसकी हरकत है, ये तो जब भी होता है ये शैतानी करता रहता करता रहता। तो देखिए अभी जो है ना बच्चे खेल रहे थे सारे, उनके साथ मस्ती की है, एक शॉर्ट वीडियो बना ली भागते भागते। दर्श तो बिल्कुल नहीं बनवाता, बच्चे चले गए हैं और हम फिर से लग जाएंगे अब काम में। आज थोड़ा कपड़े बन की तय लगाने में लेट हो गए, नहीं तो मैं तो दोपहर में ही कर देती हूँ। और अब बनाएंगे खाना, जो भी बनेगा बनाते हैं और फिर उसके बाद खाएंगे और फिर सो जाएंगे। डेली की तरह कुछ भी नहीं चल रहा है हमारी लाइफ में। छोंक हो चुका है रेडी और अब जाएगा सीधा कढ़ी में। और आप सब कहेंगे कितनी कढ़ी खाते हैं, बहुत कढ़ी बनती है हमारे यहाँ क्योंकि फेवरेट है हमारी कढ़ी। माय गॉड, फिर से एक बार कड़ी बनाई जा रही है और तड़का लगाया जा रहा है। ये वाह भाई वाह, मजा आ जाएगा खाने में फिर से एक बार। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, यम्मी यम्मी। तो देखिए गाइस, आज मैं राइस बनाने जा रही हूँ माइक्रोवेव में। पानी डाल के रख दिया है इस बाउल में और थोड़े से राइस है क्योंकि दोनों बच्चों के लिए बनाने हैं बस। तो जब बन जाएंगे तब दिखाती हूँ। तो स्टीम कुक पर हम इसको कर देते हैं, कर किया हुआ है मैंने, बस स्टार्ट करना है। तो ठीक, तो देखिए बन गए हैं चावल, अब लेकर चलते हैं किचन में। कुछ इस तरह से बनी है, तो अगर आप चाहें तो माइक्रोवेव में बना सकते हैं। तो देखिए स्नेहल तो ले आया खाने के लिए, इसको भूख लगी थी, माइक्रोवेव में बनाई है। तो देखिए मेरा खाना पीना बन चुका है और हम सब ने तो खा लिया है, लेकिन स्नेहा के नखरे हैं बहुत ज़्यादा, कह रही है मैं नहीं खाऊंगी। और इसने बना रही है अभी कह रही मैं तो सैंडविच बनाऊंगी। देखो आलू बॉईल कर रहे हैं अलग से माइक्रोवेव में और अब बनाने जा रही है। मैंने तो कह दिया बना ले और खा ले। और अब हमारे बर्तन हो चुके हैं तैयार मंजने के लिए। सचिन जी ने खाना खा लिया है और ये कह रहे हैं कि अब ऊपर चल जल्दी से काम खत्म कर ले, तो बस बर्तन करने और ऊपर जाना है और ऊपर से आके बस फिर सोना है। तो व्लॉग का एंड यहीं पर कर देते हैं, मैं कर लेती हूँ बर्तन साफ और मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गुड नाइट बोल दो, गुड नाइट गुड नाइट। चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय। हाँ बना ले, व्लॉग एंड कर दिया है। और ये लड़की जो है ना मानती नहीं है, इसके अलग अलग वो चलते हैं रेसिपीज है ना। आई लव कुकिंग, बस फास्ट फूड कुकिंग, घर का खाना। अब बना रहे हैं, अब स्नेहा बनाएगी और खुद खाएगी। तो ये देखिए मैडम व्लॉग तो एंड हो गया, ये दिखाने लाई है, देखो मैंने बना लिया, मैं खाऊंगी। ओहो चीज भी डाला है, खा लो मैडम खा लो खा लो खा लो, जाओ ठीक है, गुड नाइट बोल दो सबको।